एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज भी रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ मैं। और आज का चैलेंज है कि मुझे दो चोटी बनानी है, और वो भी स्कूल गर्ल जो होती है उस काइंड ऑफ की। तो आज का चैलेंज दिया है चिराग शर्मा जी ने, जो कि बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं आज उनका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और मैं बनाती हूँ दो चोटी। और आप मेरे हेयर देख सकते हो, ये देखिए बहुत लंबे हैं, और लंबे हेयर के साथ मैं आज बनाने वाली हूँ दो चोटी, दो ब्राइड्स। तो चले फिर ज़्यादा बातें न करते हुए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो आपको पता है क्या करना है। आपको करना है सब्सक्राइब, जो कि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन की बेल आइकन आएगा, उसे आपको करना है प्रेस, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हम पहले बालों को कॉम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने हेयर कॉम कर लूँगी, और आप देख सकते हो मेरे पीछे खुशी सो चुकी थी, बट मुझे देखने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो उठ उठ के मुझे देख रही थी, मम्मा आपकी चोटी बनी या नहीं, बनी या नहीं। और मैं ये दो चोटी बनाते बनाते मुझे मेरी मम्मा की याद आ गई, क्योंकि मेरी दो चोटी मेरी मम्मा ही बनाती थी। मुझे हेयर कॉम करना नहीं आता था, मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी, मतलब 10th क्लास में आ चुकी थी। तब तक मैंने अपने हेयर को हाथ भी नहीं लगाया था। मेरी जो मम्मी है वही मेरे हेयर वॉश भी करके देती थी और कॉम भी करके देती थी। तो मैं आज इस रिबिन का यूज करने वाली हूँ, और ये चिराग जी ने मुझे रिक्वेस्ट की है, चिराग शर्मा। तो आज उनकी रिक्वेस्ट पूरी होने वाली है, और मुझे इतने अच्छी तरह से नहीं आता है, बट मैंने कोशिश की है करने की। तो बाहर बहुत बच्चे शोर कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे, तो इस वजह से। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चोटी बनाने की कोशिश की है। मैं 10th क्लास में चली गई थी, तब तक मैं दो ही चोटी बनाती थी, मतलब हमें अलाउड ही नहीं था। तो वेनेसडे के दिन हमें विदाउट ड्रेस और विदाउट मतलब यूनिफॉर्म, विदाउट यूनिफॉर्म और विदाउट अपने हेयर बनाने थे, मतलब चोटी, एक चोटी चलेगी ऐसा। बट मैं दो ही चोटी डाल के जाती थी, मुझे बहुत पसंद थी दो चोटी बनाना, मुझे पर्सनली पसंद है, अभी भी पसंद है, बट अभी तो मैं नहीं बना सकती। तो यहाँ पर राज के पापा और खुशी जो है मुझ पे बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, और मैं वॉइस ओवर नहीं करने वाली थी फ्रेंड्स, बट क्या हुआ कि क्रिकेट चालू है और हमारे घर में क्रिकेट के सारे फ़ैन हैं। तो मुझे भी क्रिकेट जो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्रिकेट भी देख रही थी, और क्रिकेट का थोड़ा वॉइस चालू था, इस वजह से मैंने जो है अपना वॉइस बंद करके, मतलब वॉइस रिमूव कर दिया और वॉइस ओवर कर दिया। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर रिबिन के सहारे से अपनी जो चोटी है वो बना लेती हूँ, और मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ ये बनाना, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था वो। तो मैंने जैसे तैसे करके कर लिया था, बट अभी क्या कर सकते हैं, मैं मुझे जैसे आएगा वैसे मैंने बना लिया है, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया है तो उसे पूरा करना पड़ेगा। तो इसे हमें ऊपर टक करना है फ्रेंड्स। तो मेरे पास रिबिन भी नहीं थी, तो ये मैंने यहाँ पर जो लेस आती है उसका यूज किया है। और हमारी खुशी के स्कूल में मतलब 5th क्लास तक रिबिन का यूज नहीं करते हैं, इस वजह से फिर रिबिन लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैंने नहीं लाई मार्केट से, मैं लाने वाली थी। और चिराग जी भी बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप मेरा वीडियो नहीं बनाते हो मैम, ऐसा वैसा रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे बार बार। तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चला लेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिकेट देख रही थी, टीवी की तरफ मेरी ध्यान थी। तो ये देखिए, मेरी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है, मेरे हाथ ऊपर कर करके मेरे हाथ दुखने लग गए थे, और ये चोटी जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है। और खुशी जो है बोल रही थी मम्मा चोटी को पीछे करो, तो मैं उसे दिखा रही थी आगे पीछे करके, तो अच्छी लग रही है। पर अभी ये दो मतलब दूसरी वाली चोटी बन जाए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी,
और इसे आदत नहीं है, इस वजह से ये ऐसे फूली फूली दिख रही है, आप देख सकते हो। अगर हम डेली बनाते हैं ऐसी चोटी तो बहुत अच्छे से आती है, और हम कभी कभार अगर बनाए तो इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैं इधर की साइड में भी कॉम कर लूँगी और अपनी चोटी की शुरुआत कर दूँगी। तो ये देखिए, खुशी जो है बहुत हंस रही थी और उसे सोना था, फिर भी सो नहीं रही थी क्योंकि उसे देखना था। और चिराग जी ने मेरे 10th क्लास के दिन याद करवा दिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। मेरे 10th क्लास के जो दिन थे, मेरे जो स्कूल के दिन थे, वो मुझे याद आ गए, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसे ही चोटी अलाउड थी, मतलब कि छोटे क्यों ना हेयर हो ऊपर ही टक करना पड़ता था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे स्कूल के दिन याद आ गए, बहुत अच्छे वाले दिन थे वो। और मुझे मतलब अगर अभी भी वो दिन याद आते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि मैं छोटी होती और मैं स्कूल में ही रहती, बहुत अच्छे वाले दिन होते हैं हमारे स्कूल के। तो ये देखिए, मेरी चोटी ऑलमोस्ट होने में है, अभी मैं रिबिन लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर रिबिन लगाना स्टार्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। मेरा न्यू न्यू चैनल है और मुझे प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरी जो मतलब पिछली वीडियो है वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है। तो हेवी हेयर ऑयलिंग की जो मैंने वीडियो डाली थी उस पे आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला और उस पे बहुत ही अच्छे व्यू आए हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए। ये देखिए, मेरी चोटी जो है हो चुकी है, तो मैं इसे ऊपर टक कर लेती हूँ। और ये मतलब यहाँ पर हमें नोट लगानी है, और नोट लगाने के बाद हमें यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा रिबिन है उसका हमें फ्लावर बनाना होता है। तो किस कुछ इस काइंड ऑफ का बनता है फ्लावर, देखिए आप। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पसंद आ रही थी मेरी दो चोटियाँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से बन चुकी है, और मैंने चिराग शर्मा जी का चैलेंज जो है पूरा कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से निभाया है मैंने। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अभी चिराग शर्मा जी जो है वही बताएंगे कि कैसा हुआ है। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, मैंने चैलेंज कंप्लीट किया और मेरी जो चोटी है वो बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। चिराग जी को मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरा उसे निभाने की मतलब कोशिश भी की है। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरी ये दो चोटियाँ और आप लोगों को मेरा ये चैलेंज वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके भी मन में अगर कोई चैलेंज है मेरे लिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मुझसे क्या चैलेंज करवाना है। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी पूरा करने की। तो मैंने पूरा कर दिया है चैलेंज। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।